हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैंने ये दो कपड़े ले लिए हैं। तो ये दो कपड़े हैं मेरे, तो आज हम इसी कपड़े का यूज करेंगे। तो मैं इनके पीस कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पीस कट कर लिए हैं। तो ये मैंने 5-5 इंच के पीस लिए हैं फ्रेंड्स, ये मैंने 5-5 इंच के लिए। तो ये मैंने 10 पीस लिए हैं, 10 पीस ये लिए फ्रेंड्स। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरे कुछ पीस और रखे हुए हैं, मैं इनका यूज कर लूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको लेंगे, और जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ ऐसे ही ये ले लिया हमने। अब हम इसमें लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद हमें बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलना है। ये देखिए इस तरीके से, तो हमें बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलना है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम ये सारे पीसों को ऐसे ही लाइन लगा लेते हैं और सिल लेते हैं। तो मैं आपको सिलने के बाद दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने एक पीस उठा लिया, अरे हमने जो बीच की लाइन लगाई थी उसी से हमने कट कर लिया है। तो ये देखिए, मेरे डबल शेड का पीस बन गया है। ये इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो गया है। देखिए, कोई सलवेट वगैरह कुछ नहीं है। आप चाहे तो इस पर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर प्रेस नहीं करना चाहते तो ऐसे ही आप नाखून की उससे ऐसे इसको प्रेस कर दीजिए, नाखून से प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो ऐसे ही हम सारे पीस कट कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है, मेरे सारे पीस सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको नाप के जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। तो ये हो गया, ये मेरा 4 इंच का बोर्ड है। तो हमें 4-4 इंच के पीस तैयार करने हैं फ्रेंड्स। तो हमें कट किस तरीके से करना है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इस नोक से और इस नोक को, ये जो हमारा है कोने से कोना मिला होना चाहिए। ये देखिए, हमारा कोने से कोना मिल गया, और हमारा जो एक्स्ट्रा था वो इधर आ गया, जो थोड़ा एक्स्ट्रा इधर था वो इधर आ गया। तो हमें बिल्कुल बराबर पीस लेना है, छोटा बड़ा नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि छोटा बड़ा करने में भी छोटा छोटे से थोड़ा सा भी मार्जिन आ जाता है ना फालतू फ्रेंड्स, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो फिनिशिंग से नहीं आता। तो देखिए, मैं इस तरीके से चारों तरफ से लाइन लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेरा एक्स्ट्रा था वो आ गया है। अब हम इसी एक्स्ट्रा को कट करेंगे बिल्कुल इसी लाइन पर जो हमने लाइन लगाई है। ये मेरा पीस बस कट गया फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद हम बाकी के सारे पीस भी इसी तरीके से कट करेंगे, और कट करने के बाद फिर हम इसके बाद डिज़ाइन सेट करेंगे। तो देखिए, मेरा जो एक्स्ट्रा था वो हमने कट कर लिया है, और जितना हमें पीस चाहिए था वो बिल्कुल तैयार शेप में हो गया है। तो हम बाकी के पीस भी सारे कट कर लेते हैं इसी तरीके से, फिर मैं आपको आगे डिज़ाइन सेट करना बताऊँगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस कट हो गए हैं, और सारे मैंने फिनिशिंग से इनको सेट कर लिया है। अब मैं इनका डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन सेट हो गया है, और ये जितने भी पीस काटे थे हमें उतने में ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहें तो और पीस कट करके आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब हम इसको बारी बारी सिल लेते हैं। तो हम एक एक लाइन करके इसको सिलेंगे।
इस तरीके से। तो ये हमारी 5 लाइन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारा ये एक पीस है, इसको हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स जब ये सिल जाएगा तो हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ सिलाई कर देंगे, और फिर इसको इस पर रखेंगे और यहाँ सिलाई कर देंगे। तो ऐसे ही हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स, और ऐसे ही हमें ये बाकी के पीस भी ऐसे ही सिलने हैं। तो मैं पहले आपको एक लाइन सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको बाकी के पीस भी सिल के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब बाकी की भी ऐसे ही सिल लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको एक एक कपड़ा उठाने में प्रॉब्लम हो तो आप पहले इन पर पिनअप कर लीजिएगा इस तरीके से। जैसे ये हो गया, ये एक पीस हमने यहाँ पिनअप कर दिया, तो एक साथ ही ये सारे पीस आपस में जुड़े रहेंगे और हमें सिलने में भी आसानी होगी। तो हम एक ही लाइन को कंप्लीट करके उठा लेते हैं ऐसे ही, और ये हो गया इस तरीके से। अब हम इसी लाइन को लेके सिल देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ सारी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बारी बारी सिलेंगे। तो हम इस तरीके से इसको पलट देंगे और जितने भी हमारे जॉइंट हैं इन सारे जॉइंट पे एक एक पिनअप कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको सीधा सिल देंगे। तो मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये पिन लगा ली है। पिन लगाने से पहले फ्रेंड जब हम इसको ऐसे सिलेंगे तो आप एक हिस्सा इस तरफ कीजिएगा तो दूसरा इस तरफ, ताकि हमारा सिलने के ऊपर यहाँ मोटा मोटा दबाव ना लगे मशीन में। तो इसीलिए एक हम एक ही डायरेक्शन में सिलेंगे। ये हमारा इस साइड में हो गया तो दूसरा हमने इस साइड में ले लिया। तो ऐसे ही हमें करना है फ्रेंड्स। तो मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये इधर का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही हमें ये बारी बारी ऐसे ही हम सिलेंगे। तो अब इसको हम इस पर रखेंगे, ऐसे ही करते चलेंगे फ्रेंड्स। पीछे का देखेंगे, इस डायरेक्शन में है ये पीस, तो हम भी इसके जॉइंट इस डायरेक्शन में कर देंगे और ऊपर के पीस इस डायरेक्शन में कर देंगे। तो यहाँ हम इन जॉइंट पे पिन लगा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर हम इसको सिल देते हैं। तो ऐसे ही हमें सारे पीस सिलने हैं। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, और देखिए कितना अच्छी तरीके से सफाई से बना है पीस। तो आप भी ऐसे डिज़ाइन बनाइए और कुछ ना कुछ यूज कीजिए। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसी डिज़ाइन का यूज बताऊंगी फ्रेंड्स, कि मैंने ये पीस किस डिज़ाइन में यूज किया है। तो आप चाहें तो इसको बेडशीट बनाइए, मेज कवर बनाइए, सोफ़ा कवर बनाइए, टीवी कवर बनाइए, या बच्चे की बेडशीट, बिछौनी, कुछ भी बनाइए। ये डिज़ाइन आप हर चीज़ में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका जो मन करे आप वो सिलिए। तो आप ऐसे ही डिज़ाइन का कुछ ना कुछ यूज कीजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।